ब्रेकिंग में अभी तक यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव पीछे। तो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रिक्शा वाला पीछे चल रहे हैं। बाय इलेक्शन जीते थे लेकिन उससे पहले 2019 का इलेक्शन वो हारे थे। सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। तो यूपी में इंडिया के कुछ बड़े कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और यूपी में इंडिया का प्रदर्शन फिलहाल दूसरे राज्यों से थोड़ा बेहतर दिख रहा है। लेकिन टैली देखिए, 81 NDA, 37 India, 1 others, अब गैप बढ़ता हुआ। जी हाँ, तो गैप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ में निरहुआ पीछे चल रहे हैं और देखिए उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर आगे चल रहा है इंडिया गठबंधन, उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर यादव परिवार के कैंडिडेट चुनाव मैदान। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण सिंह आगे। तो करण भूषण सिंह, ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा में थी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। बहुत देर में इस सीट से यहाँ कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ, ब्रजभूषण के बेटे को। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से आगे चल रहे हैं इनके लिए, ये हमारे एग्जिट पोल में भी आगे चल रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा उनका रोहतक से आगे चल रहे हैं, ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये इनका अगर कहा जाए, ये इनका बेसिकली इलाका ही इनका कहा जाता है रोहतक में। हुड्डा का उन्नाव कांग्रेस के अनु टंडन आगे चल रहे हैं उन्नाव। बिहार के काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह पीछे। करनाल से खट्टर पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल करनाल से खट्टर पीछे चल रहे हैं। NDA 86, इंडिया 42, NDA 93, इंडिया 42, अदर्स 1, NDA 100 के बेहद करीब। पवन सिंह काराकाट निर्दलीय जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, इनके ऊपर नजर है सबकी। पवन सिंह के बारे में मैं उनकी सीट कवर करके आया हूँ, वहाँ उनके फैन तो बहुत है लेकिन वोटर कितने हैं ये पता चलेगा। फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वहां से हैं, NDA के प्रत्याशी, वो आगे हैं। और यहाँ पर इसके अलावा पंकजा मुंडे बीट से, महाराष्ट्र की बीट से पंकजा मुंडे आगे चल रही हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए राजनीति से संन्यास का ऐलान भी किया था कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, लेकिन फिर एक बार से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और वो अब बीट से आगे चलती हुई